हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम जर्नी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चों का सॉलिड फूड कब स्टार्ट करना चाहिए, उन्हें क्या देना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ 6 to 12 मंथ बेबी के लिए फूड रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं एप्पल और मैंगो की प्यूरी। सबसे पहले हम यहाँ दोनों फलों को अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद हम एप्पल को छीलना स्टार्ट करेंगे, पील ऑफ करेंगे। अरे आप जानते हैं बच्चों को एप्पल कितना पसंद होता है? मेरी नित्या का फर्स्ट सॉलिड फूड तो यही था, उसे बहुत पसंद आया था, क्योंकि एक तो इसमें नेचुरली मिठास भी होती है। आप जानते हैं उन्हें अगर आप एप्पल डेली देते हैं तो उन्हें आप बीमारियों से दूर रख रहे हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। हर रोज सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। एप्पल में एक तो भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो बच्चे के डाइजेशन को सही रखता है। हमने यहाँ पे एप्पल छील लिया, उसका जो भी हार्ड पार्ट और बीज वाला पार्ट था उसको हमने काट छील लिया है। अब हमने इसको एक बाउल में रख लिया है। अब मैं मैंगो भी पील ऑफ कर देती हूँ। ऐसे ही आप मैंगो की खूबी के बारे में जानते हैं? मैंगो में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। एक तो मैंगो पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है, दूसरा इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको पता है, और आइस के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर होता है। और इसमें एक और खासियत है, इसमें जो पाया जाने वाला ग्लूटामिन एसिड होता है वो मेमोरी को शार्प बनाता है और याददाश्त को तेज करता है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत सारे गुणों से भरा हुआ ये फलों का राजा है आम, आप बच्चों को दें। अब मैंने यहाँ पे आम छील लिया है, काट लिया है, तो अब हम रेडी हैं आगे के प्रोसीजर के लिए। अब मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, आपको गुणों के बारे में बता दिया है। यहाँ मैंने ये तैयार कर लिया है काट छील के मैंगो और एप्पल। सबसे पहले हम एप्पल प्यूरी बनाने जा रहे हैं। अब क्या करना है कि यहाँ बर्तन लेना है एक, यहाँ मेरे पास स्टीमर है, यहाँ मैंने पानी भर के रखा हुआ है, गैस ऑन कर दूंगी मैं। ये जो जाली देख रहे हैं इस पे एप्पल के जो कटे हुए क्यूब्स है वो रख देंगे, और इसे भाप की मदद से सिझाना है आपको 5-10 मिनट के लिए। बीच बीच में आप चेक करते रहिए फोक या टूथपिक की मदद से। मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ा टाइम है इनमें होने में, 2 से 3 मिनट का और टाइम लगेगा। ये हो गए हैं फोक, बिल्कुल आर पार जा रहा है, ये सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, कट भी रहे हैं इजीली। अब हम इसको गैस बंद करके निकाल लेंगे। यहाँ मैं इसे मग में निकाल लेती हूँ, इसी में मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। मैंने इसको निकाला है, सारे निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसे ब्लेंड करना, और जो इसका पानी है ना वो वेस्ट नहीं करना, वो आगे यूज करेंगे हम ब्लेंड करने के लिए। ये मेरे पास बजाज का ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर, वो टाइम से यूज कर रही हूँ, अच्छा है। मुझे 1 मिनट लगा है इसको ब्लेंड करने में, आप इसके कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी इसको ब्लेंड कर लें। अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि इसमें एक्स्ट्रा पानी डालना है, ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो आप वो एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, आपके बेबी को कैसा पसंद है, ज़्यादा पतला पसंद है या ज़्यादा गाढ़ा पसंद है। मेरी बेटी ऐसे ही खाती है थोड़ा थिक, तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया है। ये 6 मंथ के बच्चे के लिए बहुत अच्छा फूड है। आप सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है कि आप उसको एप्पल प्यूरी दें डेली, तो वो भी खुश रहेगा, क्योंकि एक ये नेचुरली मीठा फ्रूट होता है आप जानते हैं, तो उसको मज़ा आने वाला है खाने में। नित्या तो ये बहुत पसंद करती थी, उसको तो डेली एप्पल प्यूरी मैंने स्टार्टिंग में दिया है, उसने पसंद किया। हुआ मैंगो की प्यूरी की तैयारी करते हैं, उसे कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया हुआ है, इसमें मैं हाफ मैंगो डालूंगी, उसे ब्लेंड करूंगी, हाफ बचा के रखेंगे। यहाँ मैंने हाफ बचा के रखा है, हाफ का मैं प्यूरी बनाने जा रही हूँ। ये 1/2 कप दूध डालेंगे, 1/2 पार्ट में डालेंगे, 1/2 कप दूध डाल के ब्लेंड करेंगे। अगर लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो रही है, गाढ़ा हो रहा है, तो फिर हम बचा हुआ दूध इसमें मिला लेंगे। ये आप 6+ मंथ और 7+ मंथ बच्चों को दे सकते हैं। ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है 1 मिनट तक,
अब यहाँ पे मैंने जो मैंगो बचा के रखे थे वो आप 10 प्लस मंथ बच्चे को ऐसे ही खिला सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अच्छे से चबाना आ जाता है, उनके दांत भी आ जाते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा है कि वो इस फ्रूट को ऐसे ही इंजॉय करें। यहाँ मेरे पास प्यूरी है जो आप 6 मंथ प्लस बच्चे को दे सकते हैं, 6 to 9 मंथ। इसकी कंसिस्टेंसी मेरे को गाढ़ी लग रही है। जो मैंने बचा हुआ दूध रखा था वो मैं यूज़ करूँगी। अब मैं इसको मैं मिक्स करने वाली हूँ इसको पतला करने के लिए। अच्छे से उसमें दूध को मिक्स कर लीजिए, फिर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए कितना पतला हो गया है। यहाँ पे बन के तैयार है मेरी मैंगो प्यूरी। अब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी एक बाउल में। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। ये है मैंगो एप्पल की प्यूरी और ये है कुछ मैंगो कटे हुए। Enjoy your food, honey moms.